और अगली बड़ी खबर आपको इटावा से बताते हैं, जहां हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। घायलों के समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। पिकअप को ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां पर पिकअप ने ट्रक को टक्कर मारी है और जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। मामले में सीएम योगी ने भी दुख जताया है। ट्रक ने एक पिकअप को टक्कर मारी, इसमें कई मजदूर सवार थे और इसके साथ ही मृतक 6 लोग इसमें मृत हो गए हैं। सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की बात कही है। समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इटावा में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर तो इटावा में कटहल में मंडी लेकर बेचने जा रहे पिकअप सवार किसानों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है और भीषण हादसे में आधा दर्जन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर घायल को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप बता दें कि बकेवर इलाके के मैक्स पिकअप गाड़ी में कटहल लादकर मंडी में बेचने जा रहे किसानों से भरी गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और घटना में दोनों गाड़ियां पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 6 किसानों की मौत हो गई, जबकि 1 किसान घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। किसान है, मंडी जा रहे थे बकेवर से, जो ये छोटा हाथी होता है, इसमें कटहल लाद के जा रहे थे और उसमें 7 लोग सवार थे। मंडी जाना था रात में, क्योंकि रात में सप्लाई करते हैं। जो इधर दक्षिण पट्टी में जा रहा था, बकेवर से यानी मंडी की तरफ जा रहा था, दक्षिण पट्टी में एक ट्रक क्या कहते हैं डंपर, जो आगरा वाले से जा रहा था बकेवर की तरफ से, और डंपर था खाली था। अब इसका स्टेयरिंग फेल हुआ कि इसको सो गया। ये उत्तर पट्टी से डिवाइडर को चढ़ाते हुए दक्षिण पट्टी में आया और उसको समेटते हुए नीचे गिर गया, और जिसमें जो 7 लोग थे उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 आदमी उसमें से बच गया है, जो सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उनकी स्थिति अभी तक जो बताई गई है ठीक है। और तमाम जानकारी के लिए इटावा से हमारे सहयोगी लव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लव, काफी दर्दनाक हादसा हुआ है, पिकअप और ट्रक की टक्कर हुई है। कितने बजे का ये मामला है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि 6 लोगों की मौत हो गई है? ये करीब देर रात का मामला है करीब, और इसमें हुआ ये था कि बकेवर से ये लोग जा रहे थे कटहल बेचने, सब्जी मंडी जो इटावा की वहाँ पर, और रास्ते में जो कानपुर की तरफ जो ट्रक जा रहा था उसने इनके ऊपर, मतलब वहाँ से डिवाइडर तोड़ते हुए वो ये पिकअप के ऊपर गिरा ट्रक, और उसके बाद अच्छा वहीं पर मौके पर 6 किसानों की मौत हो गई। और मौके पर SP रामेश सिंह वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और उसको कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। बाकी जितने 1 घायल है उसको भी उपचार के लिए सैफई अस्पताल भेज दिया गया। मामले का संज्ञान सीएम योगी ने भी लिया है, मुआवजे का भी ऐलान किया है, 2-2 लाख रुपए मृतकों को, 50,000 घायल को। क्या कुछ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है इस पूरे मामले को लेकर? अधिकारी अभी जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके घरों का पता लगा रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं, क्योंकि बकेवर क्षेत्र में ही ये एक्सीडेंट हुआ है और वहीं के ये सारे रहने वाले बताए जा रहे हैं। और बाकी जो कार्रवाई है इनका पता लगाने के बाद जो उसके बाद की जाएगी, जो भी मुआवजा तहत कार्रवाई है, जो भी संबंधित कार्रवाई। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक और पिकअप दोनों ही पलट गए।